दोस्तों, एक तरफ तो कोविड-19 का ये पेंडेमिक चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास बम्बार्डमेंट हो रहा है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन का चारों तरफ से, और हम नहीं कर पा रहे इस बात का फ़ैसला कि किसकी सुने और किसकी नहीं। और इस वजह से एक फिनोमेना जिसे इन्फोडेमिक कहा जा रहा है उसका जन्म हो रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक के जो कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इन्फोडेमिक बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और इतना एक्सीलेट हो गया है कि अब कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ रही है उसको मैनेज करने के लिए। इन्फोडेमिक एक ओवर अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें से कुछ एक इन्फॉर्मेशन तो एक्यूरेट होती हैं और कुछ नहीं, और ये अकर कर रही हैं किसी भी, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो उस दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पर बम्बार्ड हो रही है वो इतनी ज़्यादा है कि हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पे हम ट्रस्ट करें और कौन सी पे नहीं करें। ठीक है, अब हमें पता है कि देर आर सर्टेन एजेंसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल, भारत में ICMR है और दुनिया में WHO है। ठीक है, तो हम उनकी बातों को भरोसा करें ऐसा हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि WHO सहित और भी जो संस्थान हैं उनके ऊपर भी लोगों ने अब आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक ने, जिसको मैं इन्फोडेमिक कह रहा हूँ यहाँ पर, जो एक टर्म WHO ने भी काफ़ी इधर यूज़ किया, WHO के डायरेक्टर ने ऐसा कहा भी था कि पेंडेमिक से लड़ना शायद आसान हो लेकिन इन्फोडेमिक से लड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो लोगों को ट्रस्टवर्दी सोर्सेस के बारे में या रिलायबल गाइडेंस के बारे में जो डिसीज़न मेकिंग है वो करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इवन जबकि उनके पास हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है आज की डेट में, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जिनको ओवरकम करना पड़ेगा ताकि वो रिकमेंडेड एक्शन ले सकें। जैसे पैथोजेंस होते हैं किसी एपिडेमिक में, उसी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन है जो बहुत तेज़ी से फर्दर एंड फास्टर फैलती चली जा रही है और इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स को बढ़ाती चली जा रही है। इन्फोडेमिक्स को हटा पाना तो मुश्किल है लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्यों, इस तरीके से किया जा सकता है कि हम इन्फॉर्मेशन को ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से ही लें और अच्छी तरह से समझें, और किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या और भी जो क्लेम्स एंड ऑल चीज़ें हैं जिनको ऐसा कहें कि हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, उन पर थोड़ा सा संयम के साथ काम लें। ठीक है, देखो एक टर्म आता है इन्फोडेमियोलॉजी। इन्फोडेमियोलॉजी एक साइंस है इन्फॉर्मेशन के या इन्फोडेमिक्स के मैनेजमेंट का। ठीक है, और इसमें जो रेलेवेंट रिसर्च है, जो इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, जो पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप तक रखा जाए। और इसके लिए WHO ने कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी की, कुछ वेबिनार्स भी करवाए, और डिफरेंट जो उनकी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन है। अब होता क्या है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स हो सकती है, इनएक्यूरेट हो सकती है, और ये डेलिबरेटली इंटेंडेड हो सकती है आपको डिसीव करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, और करंट पेंडेमिक के सिचुएशन में ये काफ़ी देखा भी जा रहा है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड हो गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ा है। मेंटल हेल्थ का बहुत इशू देखने को मिल रहा है जो ये कोविड-19 पेंडेमिक है, क्योंकि लोग एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 से 70% लोगों की जो टेंडेंसी है ये जानने की कि कोविड-19 के नंबर्स कहाँ तक पहुँचे, लोग कितने बीमार हुए, कितने लोगों की मौत हुई, 50 से 70% ज़्यादा बढ़ गई है ये चीज़ें जानने के लिए पिछले किसी भी जनरेशन में इंटरनेट की जो सर्च करते थे लोग उसकी तुलना में। पेंडेमिक लोगों को काफ़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है हेल्थ को, बहुत सारी जो फॉल्स मिसलीडिंग स्टोरीज़ हैं जो फैब्रिकेटेड हैं वो बिना किसी बैकग्राउंड के शेयर की जा रही हैं,
और ऐसे कंडीशंस में हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम इन्फॉर्मेशंस को चेक करें, वो फाल्स तो नहीं है, और तभी उनसे बचें। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी हैं जिनमें बहुत सारी मेन स्ट्रीम डिस्कोर्सेज की बात की जा रही है जो इनएक्यूरेट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, और उन्हें काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट कराया जा रहा है, और डिज़ीज़ के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके तुलना में इनको हम अगर देखें तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे वायरस की ओरिजिन की अगर हम बात करें तो उसके जो कॉज की बात करें या उनके ट्रीटमेंट की बात करें, इन सभी चीज़ों पे, इनके मैकेनिज्म पे बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया गया। वायरस कहाँ ओरिजिनेट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसके ट्रीटमेंट कैसे हो रहे हैं, कोई दवा है कि नहीं है, किस आधार पे किसी दवा को अनुमति दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, दी जानी चाहिए नहीं दी, सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है, ये स्प्रेड की जा रही है। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं और इतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब की जा रही हैं कि लोगों का पीपल जो बिहेवियर है लोगों का वो बदलता चला जा रहा है, और इस वजह से वो ज़्यादा रिस्क लेने लग गए हैं आजकल। आपको याद होगा कि मार्च में जब COVID-19 के केसेस काफ़ी कम थे तो लोग काफ़ी डरे हुए सहमे हुए से रहते थे, और आज अगस्त का महीना चल रहा है और इसमें लोगों में डर काफ़ी कम सा हो गया है, ख़त्म सा हो गया है, लेकिन महामारी ख़त्म नहीं हुई है, और ये इसी जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है और लोग अपने आप को ज़्यादा रिस्क पर डाल रहे हैं, और इस वजह से ये जो पेंडेमिक है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर और हार्मिंग करती चली जा रही है, हार्म करती चली जा रही है लोगों को, और ग्लोबल हेल्थ सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। अब देखो क्या होता है, जो इन्फोडेमिक है ना, ये किस तरीके से इन मिस इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करती है, इसको समझते हैं। आजकल लोगों के पास सेलफोन है, इंटरनेट है, और उससे होता क्या है, सोशल मीडिया जिस पर कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोनेंशियल प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ देखने को मिलता है, और बहुत सारे नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ हैं जहाँ से आप इन इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, ले सकते हो, सो मैनी थिंग्स आर देयर, स्पेशली सोशल मीडिया, और इसी को हम कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन एपिडेमिक या इन्फोडेमिक। इसको ऐसे समझें कि हम एक ऐसे सिचुएशन बना रहे हैं जहाँ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा रही है और शेयर की जा रही है हर एक दुनिया के हर एक कोने से, और ये बिलियंस ऑफ पीपल तक बड़े आसानी से पहुंच रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है, इनमें से शायद थोड़ी ही एक्यूरेट होंगी, सब नहीं हो सकती। तो क्या ये इन्फोडेमिक पेंडेमिक को और ज़्यादा खतरनाक नहीं बना रहा? जी हाँ, इट मेक्स द पेंडेमिक इवन मोर डेंजरस। क्या होता है, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, उनको सबसे पहले तो उन्हें चाहिए ट्रस्ट वर्दी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या रिलायबल गाइडेंस, ताकि वो जो भी चीज़ें उन्हें जब चाहिए हो उन्हें मिल सकें, ठीक है। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रस्ट वर्दी इनका होना ज़रूरी है। लोगों के बीच में एन्जाइटी, डिप्रेशन, काफ़ी कुछ लोग ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, और कई सारे लोग हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं उनकी, उनको वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो एक्सपेक्टेड इमीडिएट आंसर्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, और डीप एनालिसिस भी नहीं हो पा रही उनकी एविडेंसेस की। इसी तरह से जो क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए कि क्या पब्लिश किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, समटाइम्स वो भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्विक पब्लिकेशन की प्रोसेस भी चल रही है हर जगह, तो क्वालिटी कंट्रोल की भी इश्यू हमें देखने को मिल रहा है इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी तरीके से आज की डेट में पॉडकास्ट, आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोज़, ये सारी जगहों पर कोई भी, एनी वन, जिसके पास भी ये कुछ भी सुविधाएँ हैं, वो ऑथराइज्ड है नहीं है डजेंट मैटर, एनी वन कैन पब्लिश, एनी वन कैन राइट, एनी कैन एनी वन कैन प्रोड्यूस पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, ब्लॉग्स एट्सेट्रा, और वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल लेवल के हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो ठीक ना हो। तो आज की ज़रूरत है
कि हम इन्फॉर्मेशन के इस युग में बहुत सजग रहें, ध्यान से समझें कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी नहीं है। और इसके लिए हमें जो समय समय पर भारत सरकार या WHO सुझाते रहते हैं वेबसाइट्स और इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन पर रिलाई करने की कोशिश करें। और जो रिसर्च पेपर्स हैं जो आपको बड़ी आसानी से डिफरेंट आप गूगल कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स के जो आउटकम्स हैं उनको भी बहुत सारे वेबसाइट्स पब्लिश करते हैं, उन पर रिलाई कर सकते हैं। तो अभी ज़रूरी है कि इस इन्फॉर्मेशन के इस पैंडेमिक से बचने के लिए अपने आप को सजग जागरूक रखना, ठीक है। तो इस उम्मीद से कि आप इस इन्फोडेमिक की बात को समझेंगे और लोगों में शेयर करेंगे, मैं आपसे फिर मिलने के लिए अभी विदा लेता हूँ। जय हिंद।